ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार, यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ गीता का ज्ञान कब सुनाया गया, उसकी कालावधि क्या है? हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गीता आज से 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी। अब गीता में यह भी बात लिखी गई है कि फिर से धर्म ग्लानी के समय पर परमात्मा आएंगे और गीता सुनाएंगे। वो समय कब होगा? क्या वो दोनों समय कभी मिलते भी हैं? इस पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के भगवान का जो अवतरण है, जहाँ पर वो गीता आकर सुनाते हैं, उस समय के बारे में गीता ये बात स्पष्टता से कहती है कि जब धर्म ग्लानी होती है, उस समय पर अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आते हैं। एक वर्ग इस बात को मानता है कि हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा धर्मग्लानी हो जाएगी, परमात्मा उस समय पर आते हैं। दूसरा एक वर्ग ये भी मानता है, जो गीता में ही वर्णित शब्दों के अनुसार से है, कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों सहित मैंने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो इससे ऐसा लगता है कि गीता तो सृष्टि के आदि में सुनाई हुई बात होगी, क्योंकि गीता के इस ज्ञान से ही ब्राह्मणों द्वारा फिर आगे देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में ये दो मान्यताएं जो हैं कि सृष्टि के अंत में गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा धर्म ग्लानी के समय पर, और सृष्टि के आदि में सुनाया जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या इस चीज को हम समझें? ये एक बहुत ही रोचक विषय है। ये ऐसी धारणाएं क्यों है? पहली बात कि भगवान कहते हैं जब अति धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ, ठीक है, अधर्म का विनाश करता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो आप देखेंगे कि बोलने में भगवान के पहले क्या आया, अधर्म का विनाश करता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। उन्होंने समझाने के लिए ऐसा कहा। इससे मनुष्यों ने यह अर्थ ले लिया कि भगवान अति धर्म ग्लानी के समय आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, और दूसरी तरफ सत्य धर्म की स्थापना सत्य धर्म के आदि में होगी, तभी तो सत्य धर्म चलेगा। तो दो हिस्सों को उन्होंने इसलिए डिवाइड कर दिया है कि अधर्म का विनाश, प्राणी दुनिया खत्म होगी तभी तो नहीं आएगी, पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले मैं नहीं बनाता हूँ फिर प्राणी का विनाश करवाता हूँ। कॉमन सेंस भी कहती है कि आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, आपका पक्का मकान बन रहा है, तो जब तक पक्के मकान बन ना जाए, आप झोंपड़ी निकल कर सड़क पर थोड़ी आ जाएंगे। और फिर दूसरी बात क्या है, विनाश में भगवान को आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत है स्थापना में। अर्थात महाभारत के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, गीता सुनाने के लिए उनको आने की जरूरत है। इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि भगवान विनाश तो हो ही जाएगा, अब भगवान आके गीता सुनाएंगे। और देखा भी जाए तो एक लिहाज से ठीक है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा गीता सुनाते हैं। आपने कहा कल्प के आदमी ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ और गीता सुनाई, उसमें कहीं विनाश का तो जिक्र ही नहीं है। इस वास्ते कन्फ्यूजन हो गया। फिर वो दोनों को अलग अलग टाइम में देखते हैं,
क्योंकि ये भी बता दिया गया कि बीच में बहुत बड़ी महाप्रलय होती है और वो उतनी ही लंबी है जितना कि सारा सृष्टि चक्र है, उससे भी बहुत गुना ज्यादा है। तो वो सोचेंगे कि प्रलय से पहले विनाश हुआ और प्रलय के बाद नई दुनिया शुरू हुई, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। वास्तव में ये चक्रिक है। उसी समय पर विनाश की तैयारी होती है, उसी समय पर नई दुनिया की तैयारी होती है। जब नई दुनिया की तैयारी पूरी हो जाती है, जब मकान पूरा बन जाता है, तो झोपड़ी हटा दी जाती है। तो वास्तविकता में ये जो बात कही जाती है कि सृष्टि के आदि का समय और कल्प के अंत का समय जब अति धर्म ग्लानि हुई है, तो परमात्मा ये दोनों कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ। जहां पर नई की स्थापना हो रही है और पुराने का विनाश हो रहा है, दोनों समय कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं प्रभात का समय, तो एक तरफ सूर्य निकल रहा होता है, अंधेरा गायब हो रहा होता है। तो अंधेरा गायब होना सूर्य निकलने से शुरू होता है, और जब जैसे जैसे सूर्य निकलता जाता है अंधेरा समाप्त हो जाता है। वो जो बीच का जिसको हम प्रभात कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने से कि कैसा बीच का पीरियड है। ये जो दूसरी भी एक बात जो हम टाइम लाइन पर इस चीज को देखते हैं कि गीता के समय को हम द्वापर युग के अंत में देखते हैं, तो उसकी वजह से भी एक तीसरी मान्यता उभर आती है कि भाई चलो यहाँ पर तो सृष्टि के आदि और मध्य को एक साथ जोड़ रहे हैं, द्वापर के बीच में इसको डाल देने का क्या था। इससे और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि एक होता है कि आद अंत के कॉन्फ्लुएंस पर भगवान ने आके आद और अंत किया, और द्वापर तो मध्य काल है, तो मध्य काल में तो गीता के भगवान आएंगे नहीं। फिर क्या होता है कि द्वापर में वास्तव में जो भगवान ने गीता सुनाई थी उसको एक ग्रंथ का रूप दिया जाता है, तो द्वापर के अंत में वास्तव में वेद व्यास जी ने उस ग्रंथ को लिखा था। और क्योंकि उसमें भगवान का जिक्र है, गीता ही लिखी है और बातें हैं, तो इसलिए उसको मान लिया गया है। जो आज गीता ज्ञान उपलब्ध है वो नहीं है जो आज में सुनाया गया था, वो है जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, और उसका उतना ही असर है जितना मनुष्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का। अब गीता के 15वें अध्याय में पीपल के एक उल्टे वृक्ष की व्याख्या की गई है, उसका गीता के समय से क्या लेना देना है, क्या उस चीज से हम इस समय को बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, पीपल का उल्टा वृक्ष जो वर्णित किया गया है वो फुल्ली ग्रोन ट्री है। उसमें कहा गया है कि ये वृक्ष पीपल का जिसकी शाखाएं पूरी फैल गई हैं, उसका मैं बीज रूप हूँ। और क्योंकि नॉर्मली वृक्ष का बीज नीचे होता है, मैं परमात्मा, क्योंकि आत्माओं का वृक्ष है, मैं परमात्मा हूँ, ये उल्टा वृक्ष है। लेकिन जो उसमें वर्णन किया गया है फुल्ली ग्रोन वृक्ष का किया गया है, अर्थात भगवान कहते हैं कि बीज की आवश्यकता तब होती है जबकि वृक्ष पूरा फैल फूल के सूख जाए, उस समय नए वृक्ष को स्टार्ट करने का टाइम होता है। उसे इंडिकेट होता है कि भगवान जब आते हैं, जब वृक्ष आधा ग्रो हुआ उसमें नहीं आते, अर्थात द्वापर में नहीं आते, वो कलयुग के अंत में आते। जैसे आप ये कह रहे थे कि रात और दिन का एक संधि काल है, जब ये प्रभात का समय है, सूर्य उग रहा है और अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ऐसे इस समय को, इस संधि काल को लोग बहुत ही महत्व के साथ देखते हैं, लोग पूजा उपासना में, प्रार्थना में, इत्यादि में लगाते हैं। जैसे ये जो 15वें अध्याय की अभी हम बात कर रहे थे, उसे भी उस अध्याय को पुरुषोत्तम योग नाम दिया गया है, पुरुषोत्तम योग। हाँ। तो ऐसे में जैसे ये सृष्टि का वो समय है जब आदि और अंत मिल रहा है, उसका भी कुछ विशेष नाम है। जैसे मनुष्य आज पुरुषोत्तम मास होता है, साल में एक बार या तीन साल में एक बार जब आता है, तो पुरुषोत्तम मास में लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ व्रत इत्यादि करते हैं, तो उसको बड़े महत्व से देखते हैं। क्या ऐसे ही सृष्टि के लिए भी कोई ऐसा पुरुषोत्तम युग है? यानी जो कुछ भगवान ने किया, जिस समय में किया, जिस विधि से, उसके स्मारक चले आते हैं। अब ये जो हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है महीने का, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में कहते हैं ना लीप ईयर,
वो शायद 4 साल के बाद आता है, तो फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। तो वो नॉर्मल मंथ्स जो हैं वो नॉर्मल उसके डेज होते हैं। जैसे 28 दिन की फरवरी है तो 3 साल 28 की रहेगी, चौथे में 29। पुरुषोत्तम मास में भी जो है 1 दिन 3 साल के बाद एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ष भी पुरुषोत्तम वर्ष कहलाता है। अच्छा, पुरुषोत्तम का मतलब है उत्तम पुरुष बनाने वाला मास, यानी उस मास, इसीलिए लोग उसमें पूजा पाठ आदि करते हैं, उसको विशेष महत्व देते हैं। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें, पुरुष को उत्तम बनाने वाला, तो पुरुष से उत्तम होता देवता। जैसे श्री राम को क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये उन्होंने सभी मर्यादाओं का पालन किया इसलिए वो देवता बन गए। एक तो ये है, और पुरुषोत्तम युग भी कह सकते हैं, अर्थात उस समय ही परमात्मा आके पुरुषोत्तम बनाते हैं। दूसरे शब्दों में से दो अर्थ निकलते हैं, एक तो परमात्मा पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम बनाने वाला है, तो दूसरी बात क्या है कि पुरुषोत्तम बनने का केवल वही समय है, उसको हम पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं, संधि काल भी कहते हैं, जुड़ने वाला संगम भी कहते हैं। यूं तो हर युग के अंत में संगम आता है, ऐसे आप दिन में देखेंगे 4 प्रकार के बदलता है समय। प्रभात का समय तो प्रसिद्ध है, उसमें पूजा पाठ बहुत होता है, लेकिन जब प्रभात से दोपहर आता है, आता तो है लेकिन उसको एम पीएम भी कर देते हैं, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है। दोपहर से साय आता है, उसको भी कोई गिनता नहीं है। कई लोग ये समझते हैं कि साय आ गया, सायकाल को भी कई महत्व देते हैं, आरती पूजा वगैरह, वो सोचते हैं कि आगे रात्रि ना आ जाए, परंतु रात्रि तो आती है। लेकिन महत्वपूर्ण एक ही बात होती है, जब अंधकार से प्रकाश होता है, जब मनुष्य पुरुषोत्तम बनता है, और जब भगवान अवतरित होता है। इसमें गीता में एक स्पेशल चैप्टर है, उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम युग, उस युग में भगवान आके उत्तम बनने का योग सिखाते हैं। और ये जो संधि काल आप कह रहे हैं, ये जो संगम का समय है, इस संगम के समय का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुरुष को उत्तम बनाया जाता है, यानी सामान्य मनुष्य देवतुल्य बन जाते हैं, और ये गीता के ज्ञान से संभव होता है, मनुष्य को देवता बनाया जाता है। गीता का पर्पज ये है, मनुष्य को देवता बनाना। और आप देखेंगे इस संगम का भी यादगार है, वो जो नदियां आती हैं भारत के अंदर, तो अगर आप अलाहाबाद में प्रयाग जिसको कहते हैं वहां जाएंगे तो दोनों नदियां मिलती हैं, और आपको नाविक नाव में बिठा के वहां ले जाते हैं जहां गंगा और यमुना मिल रही है। तो गंगा का पानी सफेद होता है, उज्जवल होता है, यमुना का थोड़ा शामल होता है, तो दिखता है ये देखो दोनों नदियां मिल रही। तो जो भगवान ने वो जो कर्तव्य कराया था उसका इतना पक्का यादगार भी संगम के रूप में बनाया जाता है, गंगा और यमुना का संगम। जैसे आप ये पुरुषोत्तम युग की बात कर रहे थे, तो इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है, इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तो यहाँ पर दो युगों का मिलन हो रहा है, यहाँ पर सृष्टि के अंत का समय है और एक नई सृष्टि के आदि का भी समय है। और इस समय पर ऐसा क्या होता है, कौन इस समय को पहचानते हैं, कौन इसको पहचान कर अपने अंदर गीता ज्ञान को धारण करते हैं, इससे क्या परिवर्तन होता है? क्या ये समय ही ऐसा है कि इसमें सभी लोग ऐसा कर लेंगे या कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं? जब इसका नाम ही संगम है तो इसमें एब्सोल्यूट कोई लोग नहीं रहते, परिवर्तन हो रहे होते हैं। संगम के बाद आप कह सकते हैं कि गंगा हो गई, यमुना भी मिल गई, उससे पहले भी गंगा थी। अगर आप उस पर्टिकुलर पर फोकस करें, उसमें गंगा सफेद बह रही है, साथ साथ यमुना बह रही है, और दोनों का मिलन हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान कहते हैं कल्याणकारी, कल्याणकारी कहना, चढ़ती कला कहना, प्रकाश की ओर चलना, बात एक ही है कि उन्नति शुरू होती है, तब तक अवनति ही होती रहती है। अंधकार जब होता है
तो अंधकार स्टैटिक नहीं होता, अंधकार बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार से जब प्रकाश होता है तो सडनली नहीं हो जाता, धीरे धीरे फुल प्रकाश हो जाता है। अब सुबह के वक्त देखें, जब सूर्य थोड़ा सा निकलता है लोग देखने जाते हैं सनराइज, एक लाल सा छोटा सा डिस्क होता है, आधा होता है, वहीं वहीं रोशनी दिखती है, लोग बड़ी टकटकी लगा के देखते हैं। धीरे धीरे आप देखते रहिए, वो बढ़ता जाता प्रकाश बढ़ता जाता है, फिर वो लाल सूर्य दिखता ही नहीं है, फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, उसको ही हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसको कल्याणकारी इसीलिए कहा गया कि आप देखिए कि ब्रह्मा ने जब यज्ञ रचा तो प्रभात होना शुरू हो गया, और उस यज्ञ के बाद ब्राह्मण और देवता उन्नति को पाए, प्रजा जनी। अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि उस समय कौन से लोग होते हैं, किनको ये कल्याण किनका होता है, क्या सबका होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमने जो जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्होंने वर्ण तो मेंशन किए हैं, लेकिन ये नहीं उन्होंने समझ पाए कि एक युग में एक ही वर्ण होता है। सिर्फ जब अपभ्रंत हो जाता है, जब मिक्सचर हो जाता है, चारों वर्ण नाम मात्र के रहते हैं, होता उसमें फिर भी एक ही वर्ण है। जैसे कोई रात में न्यूयॉर्क में चला जाए कि बड़ी बत्तियां जग रही हैं, उसने सूर्य कभी देखा ही ना हो तो कहेगा यही दिन है। तो वास्तव में आज यानी जब धर्म ग्लानी होती है उस समय आपको चारों वर्ण मिल जाएंगे नाम मात्र। आज आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, क्षत्रिय भी मिल जाएंगे, वैश्य भी मिल जाएंगे, शूद्र भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? जब है ही तमोगुण, तो तमोगुण में तो सब लोग तमोगुण ही कहलाएंगे ना, अगर वर्ण शब्द हटा दें। या कलयुग है तो कलयुग ही कहलाएंगे ना, और लक्षण है। कोई कहे मैं सतयुगी हूँ तो सतयुग में तो अकाल मृत्यु नहीं होती, यहाँ की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काल मृत्यु से बचा हुआ। एक परिवार ही दिखा दे जिसमें किसी की काल मृत्यु ना होती, डॉक्टरों को ही दिखा दे जिनकी काल मृत्यु ना होती हो। अर्थात लक्षण ये बताते हैं, धर्म ग्लानी के लक्षण है। तो धर्म ग्लानी में ब्राह्मण की ही धर्म ग्लानी वास्तव में हुई है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं जो सच्ची गीता सुनाता हूं, मैं देवता बनाता हूं। देवता को चार वर्णों से आउट कर दिया गया, आज केवल ब्राह्मण से सीधा क्षत्रिय पर आते हैं। वास्तव में भगवान ने तो देवता बनाया ना, देवता, और उसका प्रूफ है कि जब हम ब्राह्मण की वंदना करते हैं या तो ब्राह्मण देवता कहते हैं या कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः, तो देवता को साथ जोड़ते हैं। और गीता में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा प्रजा सहित, अर्थात ब्रह्मा के साथ तो ब्राह्मण थे ही और देवता उन्नति को पाए, और तुम एक दूसरे को उन्नत करो, ये लिखा हुआ। इससे पता लगता है कि जिन लोगों ने परमात्मा के ब्रह्मा द्वारा रचे हुए यज्ञ से गीता ज्ञान धारण किया वो ब्राह्मण बने। तो वो ब्राह्मण थे नहीं, ब्रह्मा भी ब्रह्मा था नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्ति था। गीता में लिखा हुआ है कि मैं एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता हूँ तो लोग मुझे वैसा ही समझते हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण उस समय कोई खास चोटी रखते थे या टीका लगाते थे, नहीं। चोटी मीन्स स्थिति, कि उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, टॉप क्लास थी, भाव उसका यह है। और टॉप के जितने भी चोटियां हैं हमारे पर्वतों की, वहां देवियों के मंदिर हैं, लेकिन लोग देवियों को तो गीता से गायब कर दिया है, स्त्री जाति कोई, वास्तव में वो ब्राह्मणियां ही हैं। अच्छा, जिनको लोग माँ कह के पुकारते हैं। तो भगवान ने जो यज्ञ रचा ब्रह्मा के द्वारा, उसमें जिन्होंने उस यज्ञ से उन्नति को पाया, प्रकट हुए, और जिन्होंने उसको आगे संभाला और वृद्धि को पाया, वो उसको कहेंगे ब्राह्मण कुल। कुल इसलिए कहते हैं कि वो वंश नहीं है। अन्य जितने भी वर्ण होते हैं वो युग युग चलते हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण सारा त्रेता युग चलता है, देवता सारा ही सतयुग चलते हैं, वैश्य यानी इसको रजोगुण कहते हैं सारा ही द्वापर युग चलता, पूरा युग चलते हैं, और शूद्र जिसको हम कहते हैं शूद्र संस्कारों वाले आसुरी, वो भी पूरा कलयुग चलते हैं।
तो ये जो होता है, क्योंकि हमने बात ही कर रहे हैं ये कन्फ्लुएंस का पीरियड है, ये छोटा सा लीप पीरियड है, उसमें ना तो कोई राजधानी होती है, केवल वहां भगवान आके गीता ज्ञान सुना के उनको लायक बनाते हैं देवता बनने। तो हर देवता पहले ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण के बगैर देवता नहीं बन सकते। आज के कॉन्टेक्स्ट में ब्राह्मण नहीं है कि शास्त्र पढ़ने और सुनाने, गीता ज्ञान को धारण करने वाले। आज बड़ी खूबसूरत चर्चा हमने की है, इस बात को समझा है कि पुरुषोत्तम युग क्या है। परमात्मा जब आते हैं ऐसे समय पर आते हैं जब सृष्टि के अंत और नई सृष्टि के आदि का समय है, जो लीप युग है, ये एक ऐसा समय है जिसे हम पुरुषोत्तम युग कहते हैं। चर्चा के लिए और भी विषय हैं, मगर समय को देखते हुए यही विराम लेना पड़ेगा। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बड़ी सुंदर चर्चा हुई है, गीता का ज्ञान कब सुनाया गया, जब धर्म ग्लानि का समय हो, जब फिर से परमात्मा को धर्म स्थापना करने के लिए आना हो, ऐसे समय पर, सृष्टि के अंत के समय पर परमात्मा आते हैं। साथ साथ ये जो मान्यता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों सहित परमात्मा ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, ये भी वही समय है। सृष्टि के अंत और नई सृष्टि के आदि के इस समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, संगम युग कहा जाता है, और ऐसे समय पर परमात्मा आकर ये परिवर्तन कराते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।